दुर्ग निगम क्षेत्र में बने प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने पहुंची सेंट्रल व स्टेट की टीम ने देखी प्रोग्रेस रिपोर्ट। वहीं फंड की कमी से अब तक पूरा नहीं बन पाए आवासों का टीम ने निरीक्षण भी किया। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निरीक्षण करने मंगलवार को दुर्ग के ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित कई महीनों से बन रहे आवास का निरीक्षण करने सेंट्रल व स्टेट की टीम पहुंची, जिन्होंने आवास की गुणवत्ता और अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने दुर्ग निगम आयुक्त हरेश मंडावी से भी मुलाकात की और आवासों को जल्द पूर्ण करते हुए आवंटन की प्रक्रिया अपनाने की बातें कहीं। केंद्र व स्टेट से पहुंची टीम के निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्यों से जांच टीम को अवगत कराया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर चिन्हारी अंतर्गत सर्वे हुए झुग्गी क्षेत्र स्लम में निवासरत परिवारों के लिए आवास बनाकर आवंटन किया जाना है, लेकिन फंड की कमी के चलते अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसी के तहत निर्माणाधीन आवासों के अंतर्गत सरस्वती नगर में कुल 522 आवास, पोटिया कला में 116, गोकुल नगर पुलगांव में 336, गणपति विहार बोरसी में कुल 108 आवास, माँ कर्मा बोरसी में कुल 108 आवास एवं फॉर्चून हाइट्स पोटिया कला में कुल 36 आवास शामिल हैं। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार से भेजा गया है कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट, उसका निरीक्षण करना होता है, क्वालिटी कैसी है, काम समय पे पूरा हो रहा है कि नहीं, और हम लोग BLC के घर भी देखते हैं कि हितग्राही खुश हैं कि नहीं, उनको समय पर पैसा मिल रहा है कि नहीं। मतलब केंद्र सरकार की जो मंशा है कि काम अच्छे से हो, क्वालिटी से हो और सही समय पर हो, सिर्फ वही देखना होता है, बाकी ऐसे और कुछ। अभी मैंने जितनी भी जगह पर साइट देखा है, काम अच्छा हो रहा है। कुछ जगह पर काम रुका हुआ है, कुछ फंड नहीं आया था, इन्होंने बताया है, उसके लिए मैंने स्टेट में बात कर ली है, और कहीं पर मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है DHP प्रोजेक्ट्स में, इस कारण भी पेंडिंग है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। कल बात हुई है स्टेट में, वो स्टेटमेंट आपको स्टेट दे पाएगा, वो जानकारी अभी पूरी मैंने ली नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए जैसे थे, इसमें केंद्र राज्यांश और हितग्राही का अनुदान, तीनों यहाँ अनुदान मिले हुए हैं। केंद्र मतलब केंद्र का पैसा है ना, और राज्य का पैसा है, और हितग्राही का, तीनों का पैसा मिलकर बन रही है। तो सर जो अभिषेक मिश्रा जी हैं, भारत सरकार में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, छत्तीसगढ़ को भी प्रेजेंट करते हैं, तो जो पैसा शासन दे रही है वो मॉनिटरिंग के तहत स्टेट की टीम भी आई हुई है और सेंटर की टीम, तो यहाँ जो काम हो रहा है जमीन हकीकत जानने के लिए, अफसर करने के होता है, पहले भी हुआ है, अभी फिर से आए हुए हैं, तो निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। अब सब ऑब्जर्वेशन करेंगे और अपना प्रतिवेदन जो भी होगा भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।